नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि अभी तक हम लोग जो है दृष्टि आईएएस के टोटल 25 जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करवा दिए हैं यूपीएससी के लिए। अब जो है हम लोगों के पास जो है फॉरम आईएएस के और विजन आईएएस के टेस्ट पेपर बचते हैं। तो विजन आईएएस के भी हम लोग जो है 12 नंबर टेस्ट पेपर तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो है 13वें नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके तहत भी हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही इसके जो है एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किस कानून के माध्यम से किया गया था। तो यहां पे पहले में देखा जाए तो पहले में सही जवाब है बी ऑप्शन, अधिनियम 5 1843 के तहत जो है भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, और ये इस कानून का नाम था अधिनियम 5 1843। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस्लामिक धर्मशास्त्र की देवबंद शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि यह मुस्लिम संप्रदाय के नैतिक और धार्मिक उत्थान के उद्देश्य से एक जो है पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। दूसरा कथन है कि इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया जिसे यह बहुसंख्यकों का एक दल मानता था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो ये जो देवबंद स्कूल था एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। इसे मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया और इसके जो है दो प्रमुख उद्देश्य रखे गए। पहला ये था कि मुसलमानों के मत जो है कुरान और हदीस की पवित्र शिक्षाओं का जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा, और दूसरा उद्देश्य ये था कि विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखा जाएगा। ये प्रमुख उद्देश्य थे। लेकिन जो है जहाँ तक बात रही देवबंद स्कूल की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1866 में देवबंद में जो है मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई, जिसकी देवबंद स्कूल की। इसके पश्चात जो है देवबंद जो है तत्कालीन संयुक्त प्रांत के, जिसे अब जो है उत्तर प्रदेश कहा जाता है, इसके जो है सहारनपुर ज़िले में दारुल उलूम या इस्लामिक अकादमी केंद्र था सहारनपुर ज़िले में। और इस देवबंद स्कूल का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक नेताओं को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा देवबंद आंदोलन का एक और उद्देश्य था जिसके तहत देखा जाए तो मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक और धार्मिक पुनरुत्थान किया जाए और देवबंद स्कूल में मूल इस्लाम धर्म से संबंधित जो है शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। जबकि दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि इसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया जिसे यह बहुसंख्यकों का एक दल मानता था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक मोर्चे के संदर्भ में बात की जाए तो देवबंद स्कूल ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया, ना कि विरोध किया। और सन 1888 में देवबंद के उलेमाओं ने जो है सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित संगठनों संयुक्त भारतीय जो है राजभक्त सभा तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया, जो उसके जो है रीजनल जो जो दल थे या सभा थी उसके खिलाफ उसने जो है फतवा जारी किया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समर्थन दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही रहेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। 1765 की इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि शाह आलम द्वितीय को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने थे। दूसरा कथन है सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को अंग्रेजों को सौंपने पर सहमति व्यक्त की। तीसरा कथन है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अवध पर अधिकार कर लिया। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इलाहाबाद की संधि जो है किस संदर्भ में बात कर लेते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में
इलाहाबाद में दो महत्वपूर्ण संधियाँ की, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। तो जो पहली संधि हुई अवध के नवाब के संदर्भ में, उसकी जो शर्तें थी उसके संदर्भ में हम लोग अभी बात करेंगे। तो इलाहाबाद और कड़ा के जिले जो थे इसमें जो है बादशाह शाह आलम द्वितीय को जो है सौंपा गया। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे सुजात दौला लिखा है जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था बादशाह शाह आलम द्वितीय, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। इसके अलावा इसी संधि की, इसी जो संधि हुई थी अवध के नवाब के साथ, तो यहाँ पे जो है अवध के नवाब जो थे सुजात दौला, तो इनके मध्य जो है जो संधि हुई थी, तो यहाँ पे कहा गया कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये कंपनी को देना है और बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को जो है उसकी जागीर का पूर्ण जो है अधिकार प्रदान किया जाएगा, ये इसकी शर्तें थी। तो यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि शाह आलम द्वितीय कुछ जो है युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी को देने थे, जबकि यहाँ पे जो है कौन देगा युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपये जो है सुजात दौला देगा, क्योंकि अवध का नवाब तो वही था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और इसके अलावा जो तीसरा स्टेटमेंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अवध पर अधिकार कर लिया, तो क्लाइव जो है अवध पर अधिकार नहीं करना चाहता था क्योंकि इसने जो है कंपनी पर जो है अफगान और मराठा आक्रमणों से विस्तृत सीमा की रक्षा करने के लिए जो है प्रयास किए, ना कि अवध के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सही तो कोई भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित किए गए सामान्य सेना भर्ती अधिनियम ने बंगाल सेना में भर्ती सिपाहियों के मध्य आक्रोश उत्पन्न कर दिया। दूसरा कथन है, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम ने भारतीय सिपाहियों को प्राप्त निःशुल्क डाक सेवाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए चौथे का, तो यहाँ पे जो है पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है। तो इसके संदर्भ में हम लोग बात करें तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है एक समान डाक दरें लागू करने के पश्चात जो है सन 1854 में भारतीय डाक अधिनियम पारित किया गया, और इसके तहत जो है भारतीय सिपाहियों को प्राप्त निःशुल्क डाक सेवाओं का विशेषाधिकार वापस ले लिया गया। इससे जो है भारतीय सिपाहियों में अत्यधिक असंतोष फैल गया, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में के दौरान घटित हुई थी? तो कौन सी घटनाएं जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में घटित हुई थी, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं की जाँच के लिए रैले आयोग का गठन किया गया। दूसरा कथन है कि बढ़ते रूसी प्रभाव को रोकने हेतु तिब्बत के लिए जो है यंग हस बैंड मिशन शुरू किया गया। तीसरा कथन है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डूरंड रेखा को निर्धारित करने के लिए डूरंड आयोग का गठन किया गया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन किया जाए। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले तो लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 के बीच जो है वायसराय रहा, और जो है 1902 में जो है रैले आयोग का गठन किया गया। 1902 में रैले आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं पर विचार करना और उनके संगठन एवं कार्य प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्यकाल जो था 1899 से 1905 के मध्य था और रैले आयोग का गठन 1902 में हुआ था। इसका मतलब लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही इस जो है रैले आयोग का गठन हुआ था। तो अगला देखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो जो है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक बात कही गई है, क्या कही गई है, बढ़ते रूसी प्रभाव को रोकने के लिए हेतु तिब्बत के लिए यंग हस बैंड मिशन शुरू किया गया, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट में कहा गया है कि डूरंड रेखा से संबंधित बात हुई है, तो यहाँ पे जो है डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। हालांकि इस रेखा का एक छोटा हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत को स्पर्श करता है, लेकिन अभी वो हिस्सा जो है भारत के कब्जे में नहीं है,
इसीलिए यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है और सही होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जीआई उत्पाद है, दूसरी तरफ राज्य है, तो मट्टी केला दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है मट्टी केला, तो ये जो है कन्याकुमारी में जो है होना चाहिए, कन्याकुमारी चेन्नई में कर सकते, तमिलनाडु होना मतलब तमिलनाडु स्टेट का जो है एक जो है उत्पाद है मट्टी केला, लेकिन सामने केरल लिखा है इसलिए ये जो है गलत हो जाता है। अगला है जो है जीआई टैग मिला है जो है मुस्क बुद्धजी चावल को, ये जम्मू कश्मीर का है तो यहाँ पे दूसरा सही है। तीसरा जो है मनकू राड आम है, तो यहाँ पे देखा जाए मनकू राड आम जो है गोवा का एक जो है आम है, ना कि महाराष्ट्र का, इसलिए तीसरा भी गलत है। तो प्रयुक्त युग्मों में से कितने सही है, तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए पहला ए ऑप्शन में स्टेटमेंट है कि इसने केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के बीच जो है एक विधायी सीमा का निर्धारण किया, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसने वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की, और जो है तीसरा स्टेटमेंट है कि इसने राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाकर उसके कार्य को सरल कर दिया। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण के विधायी हस्तांतरण को अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पे देखा जाए पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये जो अध्यादेश जारी किया जाता था, यह अध्यादेश जो है अधिकतम 6 माह तक ही लागू रह सकता था, तो 6 माह तक ही लागू रह सकता था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठवां, पाबना एग्रेनियन लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इनकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1859 के अधिनियम 10 के तहत किसानों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए या प्राप्त करने के से रोकने हेतु की गई थी। दूसरा कथन है लीगों ने जो है अधिभोग अधिकारों के विरुद्ध अदालतों में मुकदमे लड़ने की विधि अपनाई, तो उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो आठवें में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है जमींदार जो थे, तो जमींदारों ने वैध सीमाओं से अधिक लागान बढ़ा दिया था और 1859 के अधिनियम 10 के तहत कृषकों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने से रोक दिया था, तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे किसानों को नहीं जमींदारों के संदर्भ में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि कानूनी जो है प्रतिरोध जो था तो लीग ने जो है लगान के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन किया तथा रैतों ने जो है अदालतों में जमींदारों को चुनौती देते हुए बढ़े हुए लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया, और जो है रैतों द्वारा मामले को जो है अदालत में लड़ने के लिए धन जुटाया गया, और इनका यह संघर्ष जो है पूरे पाबना और पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों में भी फैल गया, और कानूनी प्रतिरोध इस संघर्ष का मुख्य स्वरूप था तथा इस संघर्ष के दौरान जो है हिंसा भी बहुत कम देखने को मिली, तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नौवें नंबर का, तो रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उन्होंने त्याग ध्यान और भक्ति के पारंपरिक तरीकों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया। दूसरा कथन है उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता को स्वीकार किया था। तीसरा कथन है उन्होंने केशव चंद्र सेन की समझ को प्रभावित किया और परिणाम स्वरूप उन्होंने उनके कुछ विचारों को ब्रह्म समाज में शामिल किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है, तो नौवें में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है दो कथन सही है, पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे केशव चंद्र सेन वाला गलत है, तो पहला दूसरा सही है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि केशव चंद्र सेन के मन में शक्तिवाद में निहित अच्छे और बुरे लक्षणों को अलग करने तथा अच्छे लक्षणों को ब्रह्म समाज में शामिल करने का विचार जो है संभवतः कहा जा सकता है कि रामकृष्ण परमहंस के विचारों से जो है प्रभावित होने के बाद ही आया था,
इसलिए जो है यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जीनोमिक्स के अंतर्गत केवल एक जीव की संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा कथन है, मेटा जीनोमिक्स के अंतर्गत कई जीवों के डीएनए मिश्रण का अध्ययन किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही जवाब हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही जवाब है। क्योंकि जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो है म्यूटोजीनोम अनुक्रमण प्रौद्योगिकी होता क्या है। तो ये जो है प्रौद्योगिकी है, ये रोग जनकों के विकास की निगरानी पद्धति में व्यापक परिवर्तन कर रही है। और ये जो जो प्रौद्योगिकी है, ये प्राकृतिक पर्यावास में सभी माइक्रोबायोटा सदस्यों की संपूर्ण आनुवंशिक सामग्री के अध्ययन को संदर्भित करती है। और इस अध्ययन के लिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसने जो है शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित इंडियन लीग का स्थान लिया। दूसरा कथन है, इसने 1870 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा को घटाए जाने का विरोध किया था। तीसरा कथन है, निम्न आय वर्ग के लोगों को संगठन की ओर आकर्षित करने के लिए इसके सदस्यता शुल्क को काफ़ी कम रखा गया था। तीसरा कथन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे। तो उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस संगठन का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे देखें हम लोग 11वें नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये उल्लेख जो है चारों कथनों में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का जो है वर्णन किया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित जो है इंडियन लीग का स्थान जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया था, और इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसकी स्थापना की गई, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता हुआ करते थे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ राष्ट्र राजनीतिक संघ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित मेंबर्स हैं। पहला ऑप्शन है कि यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन है। तो यहाँ पे इसके मेंबर के बारे में बात किया जाए तो यह जो है पहले समझ लेते हैं, यह एक राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना जो है 1888 में हुई, और 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने इसकी स्थापना करी। और इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस का विरोध करना। तो यहाँ पे जो है पहला मिलान जो है सही है। अगला है मद्रास महाजन सभा, तो इसकी स्थापना 1884 में एम वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू द्वारा की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश शासन से जो है भारत को मुक्त कराया जाए और राष्ट्रीय मुद्दों को हल किया जाए। तो यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और इल्बर्ट बिल विवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप 1885 में इसकी जो है स्थापना हुई। और इसकी स्थापना का श्रेय जो है फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ जो है तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को जाता है। तो यहाँ पे जो है ये भी मिलान सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सभी युग में जो है सही सुमिलित है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13वां, मैसूर के हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को घोर पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा कथन है कि हैदर अली की सेना में सैन्य आवश्यकताओं को फ्रांसीसियों द्वारा पूरा किया गया था। तीसरा कथन है, उसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त होने पर मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 13वें में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये समझ में आता है हम लोगों को कि यहाँ पे पहला कथन तो यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे सही है। क्योंकि देखा जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है बिना किसी निर्णायक परिणाम के 1.5 वर्ष तक चला,
और यहाँ पे ना ही किसी की पराजय हुई ना ही किसी की विजय हुई। और हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी रणनीति बदली इस युद्ध में और अचानक से मद्रास को घेर लिया और मद्रास में पूरी तरह से अराजकता और दहशत फैल गई और इससे अंग्रेज़ों को 1769 को हैदर अली के साथ एक जो है तिरस्कारपूर्ण संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। तो ये संधि कब हुई थी? 1769 में, 4 अप्रैल 1769 में। इसके अलावा जो है दूसरा कथन है, तो दूसरे कथन के संदर्भ में बात की जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा कथन है तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत है कि उसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त होने पर मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। जबकि जो है देखा जाए तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 7 सितंबर 1782 को हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई और इसके पश्चात जो है उसके पुत्र हुआ टीपू सुल्तान, उसने एक वर्ष तक बिना किसी निर्णायक परिणाम के युद्ध जारी रखा और अनिर्णायक युद्ध से तंग आकर मार्च 1784 में दोनों पक्षों ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए और जो है शांति का विकल्प चुना। इसलिए यहाँ पे जो है हैदर अली के संदर्भ में ही ये कथन कहा गया है, जबकि ये संधि किसके मध्य हुई थी? ये संधि जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। इसलिए यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो टोटल दो स्टेटमेंट जो है केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, माफ़ कीजिएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि पहला तीसरा तो यहाँ पे गलत ही हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिख सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 14 में पहला ऑप्शन है बाबा राम सिंह, दूसरा है बाबा दयाल दास, तीसरा है बाबा दरबारा सिंह। तो उपर्युक्त व्यक्तियों में से कितने जो है नामधारी आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो नामधारी आंदोलन के संदर्भ में बात की जाए तो नामधारी आंदोलन की शुरुआत जो है एक धर्म परायण और संत व्यक्ति बाबा बालक सिंह द्वारा जो है की गई और बाबा बालक सिंह जो है भगत जवाहर मल के कट्टर अनुयायी थे। इसके अलावा जो है भगत जवाहर मल जो है गरीबी के जो है सद्गुणों का प्रचार करते थे और अमीरों को जो है अनीश्वरवादी बताते थे और बालक सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें जो है गुरु गोविंद सिंह के अवतार के रूप में मान्यता प्रदान करी और अपने मृत्यु के पश्चात जो है बालक सिंह ने राम सिंह को अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? कि बाबा राम सिंह ने वर्ष 1857 में औपचारिक रूप से नामधारी आंदोलन की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना के बाद किए गए अनुष्ठानों के एक समूह के साथ की और नए समुदाय में अनुयायियों को शामिल करने के लिए राम सिंह ने जो है गुरबानी अरदास के पाठ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बल दिया और जो है इन्होंने एक ध्वज तथा दीक्षा या जो है कैप्टिज्म को सम्मिलित किया। इसलिए यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है क्योंकि बाबा राम सिंह यहाँ पे ऑप्शन में सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे नभमित्र उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका उद्देश्य समुद्र में जाने वाले मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा कथन है इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसे अहमदाबाद स्थित इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जिसे सैक के नाम से जाना जाता है उसने इसको विकसित किया है, ना कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। बाकी पहला स्टेटमेंट सही है तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना देविका पूरी होने वाली है।
इस संदर्भ में देविका नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। दूसरा कथन है, यह रावी नदी की एक सहायक नदी है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 16 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है देविका को जो है पवित्र गंगा नदी की बहन माना जाता है और इसका उद्गम जो है संघराज क्षेत्र जो है केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की पहाड़ी जो है शुद्ध महादेव मंदिर से होती है और ये पश्चिमी पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान में है की ओर जो है प्रवाहित होती हुई रावी नदी में मिल जाती है। देविका को जो है गुप्त गंगा भी कहा जाता है क्योंकि यह अनेक स्थानों पर प्रकट और लुप्त होती रहती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि मानसरोवर झील से जो है इसका उद्गम होता है, ये कथन गलत है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली बेलेम घोषणा किससे संबंधित है? तो बेलेम घोषणा जो है अमेजन वर्षा वंश से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अमेजन सहयोग संधि संगठन का गठन करने वाले 8 देशों ने जो है अमेजन शिखर सम्मेलन के दौरान जो है बेलेम घोषणा पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते का उद्देश्य यह है कि अमेजन वर्षा वन के खतरे का पता लगाया जाएगा और जलवायु संकट का सामना करने में इसके महत्व को उजागर किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, वहामी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके नेताओं को 1870 के जो है मालदा और राजमहल मुकदमों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरा कथन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप यह अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विरोध में बदल गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 18 में देखा जाए तो पहले समझ लेते हैं वहाबी आंदोलन जो है शुरू कब किया गया। तो यह रायबरेली के जो है सैयद अहमद द्वारा 1786 से 1831 के दौरान जो है यह आंदोलन चला और वहाबी आंदोलन जो है भारत में 19वीं शताब्दी के दौरान प्रारंभ हुआ और यह जो है भारत के मुस्लिम समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार करने हेतु एक प्रबल आंदोलन था। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप यह एक सशस्त्र विद्रोह या अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जिहाद में बदल गया। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहले स्टेटमेंट के बारे में बात किया जाए तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रसिद्ध त्रिकोणीय व्यापार में ब्रिटेन, भारत और चीन शामिल थे। दूसरा कथन है, भारत त्रिकोणीय व्यापार में इसलिए शामिल था क्योंकि पश्चिम ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं के लिए चीन में बाजार उपलब्ध नहीं था। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 19 में देखने को हमें ये मिलता है कि यहाँ पे जो है पहला दूसरा दोनों कथन सही है और दूसरा कथन पहले की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ जो है प्रकाशित कृति है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। तो यहाँ पे देखें जो है तुहफात उल मुहाइद्दीन, तो इसके रचनाकार का सामने नाम लिखा है हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी नाम लिखा है, तो पहला यहाँ पे जो है सही सुमिलित नहीं है, पहला यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नाम क्या होना चाहिए, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे हसरत मोहानी जो है गलत है। अगला है सतपत्रे, तो सतपत्रे जो है के संदर्भ में बात की जाए तो इसके सामने जो है क्या होना चाहिए, गोपाल हरि देशमुख। तो ये जो है सही है। अगला है तहजीब उल अखलाक, इसके सामने क्या दे रखा है, इसके सामने दे रखा है सर सैयद अहमद खान, ये भी सही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है सही सुमिलित है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत किए गए अत्याचार। दूसरा कथन है, भू राजस्व में 50% तक की वृद्धि। तीसरा कथन है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 का पारित होना। तो उपर्युक्त कारणों में से कितने जो है दक्कन दंगों के लिए उत्तरदायी कारक थे?
तो यहाँ पे जो है पहला जो है कारण जो है गलत है, और दूसरा कारण जो है यहाँ पे सही है, तीसरा कारण भी यहाँ पे गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है उसे प्रायः भारत में सहायक संधि प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। दूसरा कथन है भारत में उसकी पहली नियुक्ति फ्रांसीसी बस्तियों के डायरेक्टर जनरल के रूप में हुई थी। तीसरा कथन है कि हैदराबाद के उत्तराधिकार संबंधी युद्ध के दौरान उसने जो है मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है हम लोग 22 में देखते हैं, तो यहाँ पे जो है 22 में ये देखने को हमें प्रतीत होता है कि पहला और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, तो यहाँ पे जो है केवल दो ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है जल विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ है संबंधित राज्य। तो यहाँ पे देखा जाए शानन, मेकेतादू और कलसा बंडूरी, तो इनका मिलान करते हैं 23 में। तो शानन जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मध्य जो है संभावित संघर्ष का एक कारण बनी, और ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो पहला मिलान सही है। दूसरा है मेकेदातु बांध परियोजना, ये कहाँ पर है? जो है कर्नाटका के जो है रामनगर ज़िले में है, तो यहाँ पे जो है ये जो है सही मिलान नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा है कलसा बंडूरी परियोजना, ये जो है गोवा में है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दो युग में सही से मिले थे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1870 के दशक में बिहार में खरवार विद्रोह निम्नलिखित में से किसके विरोध में किया गया था? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है, यह राजस्व निपटान गतिविधियों के विरोध में किया गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसकी शुरुआत जो है 1868 में बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में संथाल आदिवासी समुदाय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जो है ऊट क्लाउड एक विशालकाय गोलाकार आवरण है जो अधिकांशतः सूर्य को घेरे हुए रहता है। दूसरा कथन है कुइपर बेल्ट कई मिलियन बर्फीले पिंडों का समूह है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे हम लोग 25 में देखते हैं, तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि जो है ऊट क्लाउड को जो है सौरमंडल के शेष भागों को घेरने वाला एक विशालकाय गोलाकार आवरण माना जाता है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ जो है सूर्य के संदर्भ में बात हुई थी, लेकिन ये पूरे सौरमंडल को जो है घेरे हुए रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें हम लोग, तो 25 में जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। फिंगर मिनिशिया रिकॉर्ड फिंगर इमेज रिकॉर्ड पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जिसका उपयोग आधार सक्षम भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है यह तकनीक क्लोन किए गए फिंगरप्रिंट का पता लगाने में मदद करती है, इससे सुनिश्चित होता है कि सत्यापन के लिए केवल वास्तविक फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 26 में हम लोग देखें, तो यहाँ पे जो है दोनों कथन यहाँ पे हमें सही प्रतीत होते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नमदा कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस कला में मुख्य रूप से भेड़ की शुद्ध ऊन से गलीचा या कालीन बनाया जाता है। दूसरा कथन है इसकी उत्पत्ति सिक्किम राज्य में हुई और यह यहाँ की प्रचलित कला है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार जो है माना जाए तो यह जो है कश्मीर की पारंपरिक कला है, ना कि सिक्किम की। यह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी प्रचलित है, लेकिन यह सिक्किम की कला नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28।
थियोसॉफिकल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अमेरिकी सेना के कर्नल एम एस जो है ओलकॉट ने 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इस आंदोलन को आरंभ किया। दूसरा कथन है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने पुनर्जन्म और कर्म जैसी हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। तीसरा कथन है इसने सांख्य योग और वेदांत विचारधारा के दर्शन से प्रेरणा प्राप्त की। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 28 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1875 में जर्मन रूसी मूल की महिला मैडम एच पी जो है ब्लावेट्स्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इस सोसाइटी या आंदोलन की नींव रखी और जो है बाद में अमेरिकी सेना के कर्नल एम एस ओलकॉट भी उनके साथ शामिल हो गए, लेकिन जो है इन्होंने आंदोलन प्रारंभ नहीं किया था। जबकि इस आंदोलन के को प्रारंभ किसने किया था? जर्मन रूसी मूल की महिला थी मैडम एच पी जो है ब्लावेट्स्की, उन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इस सोसाइटी के लोग जो है पुनर्जन्म एवं कर्म जैसी हिंदू मान्यताओं में विश्वास करते थे, साथ ही वे उपनिषदों व सांख्य योग और वेदांत विचारधारा के दर्शन से प्रेरणा प्राप्त करते थे। तो यहाँ पे जो है उन्होंने अस्वीकार तो किया ही नहीं था, जबकि इसको स्वीकार किया। जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है नस्ल पंथ लिंग जाति या रंग भेद के बिना मानवता की सार्वभौमिक बंधुत्व के लिए कार्य करना था। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत है, तो सही होगा केवल एक ऑप्शन दूसरा वाला, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके द्वारा भारत पर शासन करने की शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वायसराय को हस्तांतरित कर दिया था। दूसरा कथन है इस अधिनियम के तहत भारत को एक विभागीय यानी पोर्टफोलियो प्रणाली जो वायसराय के प्रति जवाबदेह थी के माध्यम से शासित किया जाना था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 29 में हम लोग पहुँचे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है तो 1857 के विद्रोह ने जो है कठिन परिस्थितियों में देश का प्रशासन चलाने में कंपनी की सीमाओं को उजागर कर दिया और जो है इसके अलावा कंपनी के प्रशासन में जवाबदेही की कमी देखी गई। और यहाँ पे देखा जाए तो भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए जो अधिनियम 1858 आया, इसके द्वारा भारत पर शासन करने की शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश जो है सामग्री ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश जो है सामग्री को हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पे जो है वायसराय की जगह होना चाहिए था ब्रिटिश सामग्री। दूसरा कथन है तो दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है कथन ये आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज के संदर्भ में बताना है तो अगस्त 1828 में राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना करी और जो है इसे बाद में जो है ब्रह्म समाज नाम दिया गया। और 1830 में जो है लिखे गए न्यास पत्र के अनुसार ब्रह्म समाज का उद्देश्य जो है शाश्वत सर्वाधार जो है और अपरिवर्त ईश्वर की पूजा और आराधना है जो सृष्टि का सृजनकर्ता और संरक्षक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो जो है ये भी कहा गया इसके तहत कि ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है और ब्रह्म समाज ने जो है समाज में पुरोहितों के लिए कोई भी ब्रह्म समाज के अनुसार जो है समाज में पुरोहितों के लिए कोई स्थान नहीं था और ना ही किसी प्रकार की बलि प्रथा की अनुमति दी गई। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजों द्वारा न्यायालय की अवमानना के आरोप में जेल भेजा जाने वाला प्रथम भारतीय पत्रकार निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इस पत्रकार का नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है 1833 में द बंगाली में एक जो है पत्रिका थी, उसमें जो है एक क्षुब्ध संपादकीय लेख में बनर्जी ने जो है बंगालियों की धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक जो है न्यायाधीश की आलोचना कर दी। इसके कारण उन्हें न्यायालय की अवमानना के आरोप में
जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश काल के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पारित किए गए कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1829 के जो है विनियमन के माध्यम से सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और दांडिक न्यायालयों द्वारा इसे जो है सदोष मानव हत्या के रूप में दंडित घोषित कर दिया गया। दूसरा कथन है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमों के माध्यम से शिशुवध को अवैध और इसे मानव हत्या के समान प्रकृति का अपराध घोषित किया गया। तीसरा कथन है सम्मति आयु अधिनियम 1891 के माध्यम से 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से जो है कितने कथन सही है। तो 32 में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शुरुआती राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा ब्रिटिश उपनिवेशवाद ही है। दूसरा कथन है उनका मानना था कि ब्रिटिश वर्गों में विभाजित भारतीय जनता को एक करने में आधुनिक उद्योग बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तीसरा कथन है उन्होंने भारत के औद्योगिकरण के प्रयासों में विदेशी पूंजी को एक स्वागत योग्य कदम के रूप में देखा। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 33 में हमें ये प्रतीत होता है कि पहला कथन भी यहाँ पे सही है और दूसरा कथन भी सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन यहाँ पे इसलिए गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने जो है खास तौर पर कहा इस संदर्भ में कि विदेशी पूंजी जो है भारतीय संसाधनों के लूट और शोषण का जरिया है और जो है यहाँ पे भारत में जो है औद्योगिकरण के प्रयासों का जो है काफ़ी विरोध भी किया गया, इसलिए यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे यह भी कहा गया कि भारत में जो है औद्योगिकरण जो है भारतीय पूंजी पर आधारित होना चाहिए, ना कि विदेशी पूंजी पर, तो इसलिए यहाँ पे भारत में औद्योगिकरण का विरोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जैव ट्रेस खनिज परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्देश्य पशुधन उत्पादकता को बढ़ाना तथा आहार एवं चारा संसाधनों को बेहतर बनाना है। दूसरा कथन है इस परियोजना में एक जो है प्रोप्राइटरी न्यूट्रिएंट्स को प्रस्तुत किया गया है जो मामूली परिस्थितियों में जो है क्लेशन अभिक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा कथन है मिन बायोजन एक ऐसा उत्पाद है जो पशुधन में जैव ट्रेस खनिजों की आवश्यकता का समाधान करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 34 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सभी तीनों कथन सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे पहली घटना कौन सी है? तो यहाँ पे 35 का देखा जाए तो पहली घटना यह है कि बाल शास्त्री जांभेकर ने जो है दर्पण नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बैथुन स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे सर्वप्रथम 1849 में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया था। दूसरा कथन है ईश्वर चंद विद्यासागर स्कूल के सचिव के रूप में इससे जुड़े थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है 36 में? तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग देखें तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसे सर्वप्रथम 1849 में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया, लेकिन इसे कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष जो थे जे ई डी बैथुन द्वारा बैथुन स्कूल की स्थापना की गई और बैथुन द्वारा किया गया यह प्रयास 1840 और 50 के दशक में महिलाओं की शिक्षा की दिशा में की गई जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी, और इसलिए कहा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ सुर्खियों में रहे द्वीप है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो यहाँ पे ट्राइटन द्वीप दे रखा है, इसका मिलान हम लोग करें तो यहाँ पे ट्राइटन द्वीप जो है कहाँ पर है, जो है दक्षिण चीन सागर में जो है पारासेल द्वीप समूह के मुख्य द्वीपों में से एक है, और यह जो है
यह जो है सामने लिख रखा है कि भूमध्य सागर में है, इसलिए पहला यहाँ पे गलत है। दूसरा है जो है मवी द्वीप, ये कहाँ पे है? ये जो है मध्य प्रशांत सागर में जो है स्थित एक द्वीप है, तो यहाँ पे जो है दूसरा जो है सही सुमेलित है। जबकि तीसरा है तिमोर द्वीप, तो तिमोर द्वीप जो है कहाँ पे है? जो है ये जो है हिंद महासागर में इंडोनेशिया में है, तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, इसलिए ये भी गलत है। तो कितने सही सुमेलित हैं? एक सही सुमेलित है दूसरे नंबर का, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश शासन के दौरान श्रम कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले मांग जो है लंकाशायर में कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा की गई। दूसरा कथन है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के तहत बच्चों के लिए कार्य के अधिकतम घंटों को घटाकर प्रतिदिन 7 घंटे कर दिया गया। तीसरा कथन है, श्रम कानूनों में सभी कारखानों के साथ साथ ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी बागानों को भी शामिल किया गया। चौथा कथन है, कारखाना अधिनियम 1881 में बाल श्रम विरोधी प्रावधान होने के बावजूद नरमपंथियों ने इसका समर्थन नहीं किया। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 38 में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि 38 में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे पहला कथन सही था, और जो है पहला कथन सही था, इसके अलावा जो है दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों के लिए अधिकतम कार के घंटों को घटाकर प्रतिदिन 7 घंटे जो है कर दिया गया था। और इसके तहत जो अधिनियम था वो था भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, इसलिए यहाँ पे ये जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और जबकि तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ये जो कानून थे ये ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी बागानों पर लागू नहीं होते थे, जबकि यहाँ पे कहा गया चाय और कॉफ़ी बागानों को भी शामिल किया गया था, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत है। जबकि चौथा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता करना है। दूसरा कथन है, इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा कथन है, इसके तहत 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख की कुल ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए 39 में तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह योजना जो है विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सिंह सभा आंदोलन ने पंजाब में ब्रह्म समाज की सुधार गतिविधियों को आगे बढ़ाया। दूसरा कथन है, सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है सिख धर्म को नुकसान पहुँचाने वाले ईसाई मिशनरियों के साथ साथ ब्रह्म समाजियों, आर समाजियों और मुस्लिम मौलवियों की धर्मांतरण गतिविधियों का विरोध करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और इस आंदोलन की जो है स्थापना जो है 1873 में अमृतसर में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कुख्यात जो है व्यपदगत के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई निम्नलिखित रियासतों को उनके काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है उदयपुर, दूसरा है जो है सतारा, तीसरा झांसी, चौथा संबलपुर। तो जो है सतारा जो है 1848 में, संबलपुर जो है 1850, उदयपुर जो है 1852, नागपुर जो है 1853 और झांसी जो है 1854। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, सिंगफो जनजाति
सिंगपो जनजाति विद्रोह ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पे देखा जाए तो सिंगपो जनजाति का विद्रोह जो है असम में अंग्रेजों द्वारा इनके क्षेत्रों पर अधिकार किए जाने के विरोध स्वरूप शुरू किया गया था, और सिंगपो जनजाति ने जो है 1830 के दशक में इसकी शुरुआत करी। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1858 के अधिनियम के तहत सत्ता संरचना में परिवर्तन के कारण लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। दूसरा कथन है 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए 43 में देखा जाए पहला दूसरा दोनों कथन सही है, और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने शूद्रों के शोषण पर आधारित तृतीय रत्न 1855 का प्रकाशन किया था? तो यहाँ पे 44 में देखा जाए तो 44 का सही जवाब है ए ऑप्शन ज्योतिबा फुले। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है फुले ने जो है वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, और इस समाज के नेतृत्वकर्ता जो है पिछड़े वर्गों जैसे कि माली, तेली, कुनबी, साड़ी और जो है धनगर जनजातियों के लोग थे, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि सामाजिक सेवा और महिलाओं एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार किया जाए। इसके अलावा जो है उनका लक्ष्य यह भी था कि जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक असमानताओं का पूर्ण उन्मूलन किया जाए, और उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध भी किया। तो इसलिए यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस कानून के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत देखा जाए जो 1784 में जो है लागू हुआ, इसके तहत जो है ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामले के बड़े भाग पर नियंत्रण प्रदान किया गया, और जो है इसके तहत जो है कंपनी जो है राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई, और भारत में कंपनी के प्रदेशों को जो है ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा जाने लगा। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बीबी घर हत्याकांड संबंधित है? तो 46 का यहाँ पे सही जवाब है बीबी घर हत्याकांड किससे संबंधित है? यहाँ पे सही जवाब है नाना साहेब पेशवा के सिपाहियों द्वारा कानपुर के निकट अंग्रेजी निवासियों की हत्या से संबंधित है बीबी घर हत्याकांड। ठीक है, तो इसके तहत जो है यह जो है कब हुआ था? यह 1857 की घटित घटना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इनका गठन वार्षिक आधार पर किया जाता है। दूसरा कथन है परामर्शदात्री समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। तीसरा कथन है इसकी बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति हेतु न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 47 में हम लोग ये देखते हैं कि जो है इसका गठन जो है वार्षिक आधार पर नहीं किया जाता, और यह जो है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित होता है। परामर्शदात्री समितियां संसदीय कार्य मंत्रालय के जो है संयोग से ये जो है गठित होती है। और यहाँ पे दूसरा कथन के बारे में बात की जाए तो परामर्शदात्री समिति की अधिकतम संख्या जो है 40 हो सकती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है परामर्शदात्री समितियों की बैठक आयोजित करने के लिए कोई गणपूर्ति नियत नहीं की गई है, अर्थात इसकी गणपूर्ति हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो है केवल एक ही कथन सही है दूसरे नंबर का, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गठित निम्नलिखित समितियों पर विचार करें। पहला है लोक शिक्षा की समान समिति, दूसरा है हंटर कमीशन, तीसरा है सैडलर समिति। तो उपर्युक्त में से कितनी समितियां शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित हैं? तो 48 में देखा जाए तो शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित समितियां कितनी हैं? सभी तीनों जो है समितियां शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित हैं।
तो जो लोक शिक्षा सम्मान समिति है इसका गठन हुआ था जो है 1823 में, और जो है हंटर शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1882 में, और जो है सेटलर समिति का जो गठन हुआ था वो 1700 और 1917 से 19 के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1857 के विद्रोह के केंद्र हैं और विद्रोह का दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी हैं। तो दिल्ली में जो जो विद्रोह हुआ, तो यहाँ पे देखा जाए दिल्ली की घेराबंदी जो है सितंबर 1857 के दौरान जो है किसने की थी? जॉन निकोलस ने जो है 1857 में किया था। तो इसका मिलान ये जो गलत है। और अगला है बनारस में जो विद्रोह हुआ, बनारस में जो विद्रोह हुआ तो जो है तो सर ह्यू रोज को जो है 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जो है सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स की कमान सौंपी गई थी, और यह अप्रैल 1858 में झांसी की युद्ध, जो झांसी की युद्ध मई 1858 में लाहौर और जून 1858 में ग्वालियर की युद्ध में जीत हासिल करने में सफल रहा। तो यहाँ पे बनारस का जो है एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अगला है सर जेम्स आउट्रम का एग्जाम्पल दे रखा है। इन्होंने जो है भारतीय विद्रोह को जो है कुचलने का प्रयास किया, जिसमें जो है इस दौरान उन्होंने लखनऊ में शांति स्थापित करने का और उस पर पुनः अधिकार करने में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो लेकिन यहाँ पे लिखा है कानपुर के सामने जॉन निकोलन्स, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही है? तो कोई से भी सही नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ट्रांस लूनार इंजेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उपयोग किसी अंतरिक्ष यान को ऐसे प्रक्षेप पथ पर स्थापित करने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से वह चंद्रमा पर पहुंचेगा। दूसरा कथन है इसका उपयोग तब किया जाता है जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 50 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 51। उनका जन्म बम्बई में 1845 में हुआ। वे एक असाधारण नेता थे। जब वे 1860 के दशक में लंदन में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हीं दिनों दादा भाई नौरोजी के प्रभाव में आए। वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक विधेयक का विरोध करने के लिए वह जी के गोखले और डी ए खरे के साथ जो है विधान परिषद से बाहर चले गए। तो उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस नेता का वर्णन करता है? तो यह वर्णन जो है फिरोज शाह मेहता का वर्णन है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। वर्ष 1859 में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून पारित करने का उद्देश्य क्या था? तो ये जो परिसीमन कानून आया इसका उद्देश्य था कि जो है इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि साहूकारों और रैतों के बीच जो है हस्ताक्षरित किए गए ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे, और इस कानून का प्रमुख उद्देश्य यह था कि बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोका जाए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सालबाई की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त करने के लिए सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन है कि संधि के अनुसार जो है सालसेट पर मराठाओं का अधिकार होना था। तीसरा कथन है इस संधि पर वारेन हेस्टिंग और जो है महादजी सिंधिया ने हस्ताक्षर किए थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे या कितने कथन सही है ये पूछा गया है। तो कितने कथन के लिए बात की जाए तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है सालसेट पर जो है अंग्रेजों का अधिकार बना रहा ना कि मराठों का, यहाँ पे दूसरा कथन गलत है। तो टोटल 2 ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका प्रकाशित करी? तो यहाँ पे सही जवाब है विलियम जोन्स ने प्रकाशित करी, और ये 1783 में जो है कलकत्ता आए थे और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून का विशेषज्ञ होने के साथ साथ जो है
जोन्स एक भाषाविद भी थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। इसके अलावा वे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा भी जानते थे, और इसके अलावा वे अरबी सीखने और फारसी सीखने का प्रयास भी कर रहे थे, और उन्होंने जो है एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका भी प्रकाशित करना शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस अधिनियम में भारत में प्रचलित विभिन्न नियमों निर्देशों का अध्ययन संचयन और संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। दूसरा कथन है, अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया जिसे परिषद में मत देने का अधिकार था। तीसरा ऑप्शन है, इस अधिनियम में एक भेदभाव विरोधी धारा जो है उपबंधित की गई थी जो भारत में राजनीतिक आंदोलन का आधार बनी। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 55 में हम लोग देखें तो एक तो पहला कथन सही है, इसके बाद जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा कथन इसलिए सही नहीं है कि जो है अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया गया था, ये तो बात सही है, लेकिन इसका कार्य जो है पूर्णतः वैधानिक था, उसे परिषद में कोई मताधिकार प्रदान नहीं था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो कुल जो है दो स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है कि समानता अंग्रेज आदिवासियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती का समर्थन नहीं करते थे। कथन दूसरा है कि 1927 में ईसाई मिशनरी के रूप में भारत आए वेरियर एलिविन ने तर्क दिया कि झूम खेती को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पे 56 में देखने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबंधित करने का समर्थन नहीं किया गया था, जबकि एल्विन द्वारा स्थानांतरित अथवा झूम कृषि को संरक्षण प्रदान करने का समर्थन किया गया था, इसलिए कथन दूसरा गलत है, पहला सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे भारत में विश्वविद्यालयों में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने हेतु लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया था। दूसरा कथन है, इसे रेलवे आयोग की सिफारिशों पर पारित किया गया था। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर तीसरा, अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 57 में देखते हैं हम, पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करें। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ किनके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे बेदरा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध जो है तो ये जो है अंग्रेजों और जो है डचों के मध्य लड़ा गया था, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, और ये जो है 1759 में लड़ा गया, और इसमें अंग्रेजों ने डचों को जो है पराजित करने में सफल रहे, जिससे भारत में डचों का वर्चस्व जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया। इसके अलावा है वांडीवास का युद्ध, इसके तहत देखा जाए तो यह जो है वांडीवास का युद्ध जो हुआ वो तमिलनाडु के वांडीवास में जो हुआ था, और यह 1760 में हुआ था, और इसके तहत जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है सेंट थॉमस का युद्ध। सेंट थॉमस युद्ध जो है फ्रांसीसी सेना और कर्नाटका के जो नवाब थे उनके मध्य लड़ा गया था, इसलिए यह भी मिलान गलत हो जाता है। तो सही कितने हैं? एक ही सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है। सिंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1758 में कल्लौरा के राजकुमार गुलाम शाह द्वारा प्रदत्त परवाना के कारण थट्टा में एक अंग्रेजी फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। दूसरा कथन है, 1783 में मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में
तालपुरा जनजाति ने सिंध पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया था। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 59 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जो है खफी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की जो है उपाधि दी थी। दूसरा कथन है फर्रुख सियर ने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करके धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। तीसरा कथन है कि करनाल का युद्ध मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो 60 में हमें यह क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी तीनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, 1817 के पाइका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है यह वर्तमान बिहार और बंगाल राज्यों से संबंधित था। दूसरा कथन है इसकी शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा लगाए गए उच्च भूमि करों के विरोध के स्वरूप शुरू किया गया था। तीसरा कथन है इसका नेतृत्व आदिवासी नेताओं ने किया जो एक स्वतंत्र आदिवासी साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 61 में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो पाइका विद्रोह के संदर्भ में जो बातें कही जा रही हैं उसमें देखा जाए तो जो है पहला कथन तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे ये पाइका जो है उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक थे। वे अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे। इनके द्वारा ये कार्य जो है वंशानुगत आधार पर किए जाते थे। तो यहाँ पे बिहार का जो एग्जाम्पल है, बंगाल का एग्जाम्पल है, ये पूरी तरीके से खारिज हो गया। तो यहाँ पे जो है उड़ीसा होता तो सही होता, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है तो ये भी जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि इसका नेतृत्व जो है आदिवासी नेताओं ने किया जो स्वतंत्र आदिवासी साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो है जो आदिवासियों का जिक्र है तो उन्होंने जो है आदिवासी नहीं, इन्होंने जो है जमींदारों ने मिलकर इस आंदोलन को जो है शुरुआत किया। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी नेता 1856 में छोटा नागपुर में हुए हूल विद्रोह से संबंधित था? तो आप बताना है हूल विद्रोह जो है, हूल विद्रोह को ही जो है संथाल विद्रोह कहा जाता है, और यह जो है 1855 में हुआ। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सिद्धू मुर्मू ने जो है जो आदिवासी नेता थे वो जो है छोटा नागपुर में हुए हुल विद्रोह से संबंधित थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह अधिनियम इसलिए लाया गया क्योंकि इंग्लैंड क्राउन कंपनी को नियंत्रित करना चाहती थी। दूसरा कथन है इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के मत का उल्लंघन करने का अधिकार प्राप्त था। तीसरा कथन है इस अधिनियम में यूरोपवासियों, उनके कर्मचारियों तथा कलकत्ता के नागरिकों को न्याय सुलभ कराने के लिए कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 63 में देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये प्रतीत होता है कि एक तो पहला स्टेटमेंट गलत है, फिर इसके बाद जो है दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के मत का उल्लंघन करने का अधिकार प्राप्त था, जबकि उसे ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त था, और यद्यपि समान मत विभाजन की स्थिति में उसे निर्णायक मत प्राप्त था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल तीसरा सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल एक ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ताराबाई शिंदे जिनकी शिक्षा जो है पूना में अपने घर पर ही प्राप्त हुई थी या उन्होंने ग्रहण की थी, ने एक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने इस तथ्य की आलोचना की थी कि नए औपनिवेशिक समाज में पुरुषों को सभी अधिकार, अवसर और परिवर्तन के लाभ मिलते हैं, जबकि महिलाओं को सभी विविधताओं के लिए दोषी ठहराया जाता था। वे अभी भी प्राचीन पतिव्रत के नियमों से बंधी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उस पुस्तक का शीर्षक है? तो यहाँ पर देखा जाए 64 में, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही है, स्त्री पुरुष तुलना जो है उससे संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट आंसर है, उनकी जो पुस्तक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्राफीन ओरोरा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य स्टार्टअप और उद्योगों को सुविधाएं प्रदान करके ग्राफीन अनुसंधान और व्यवसायीकरण के बीच अंतर को पाटना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 65 में देखा जाए तो एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 66 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि बालासोर और कासिम बाजार फ्रांसीसियों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, श्रमिक वर्ग के आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है कि विदेशी नियोक्ताओं द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने में भारतीय श्रमिक वर्ग को भारतीय पूंजीपति वर्ग का पूरा समर्थन मिला। दूसरा कथन है प्रथम कारखाना अधिनियम 1861 ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 67 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है पहला इसलिए यहाँ पे जो है गलत है कि भारत में उपनिवेशवाद की उपस्थिति के कारण जो है भारतीय श्रमिक वर्ग के आंदोलन की प्रकृति में बदलाव हुआ। यह बदलाव जो है साम्राज्यवादी राजनीतिक शासन और विदेशी तथा देशी पूंजीपति वर्गों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के कारण आया था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय श्रमिक वर्ग जो है आंदोलन ने जो है अलग ही स्वरूप ग्रहण कर लिया था, इसलिए यहाँ पे समर्थन का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है कारखाना अधिनियम 1861 में कामकाजी बच्चों के कल्याण पर ध्यान दिया गया और इसमें सुनिश्चित किया गया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है 16 वर्ष नहीं होना चाहिए, 7 वर्ष होना चाहिए, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका लक्ष्य डिजिटल पहचान को एक नया स्वरूप प्रदान करना है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि इसका धारक एक वास्तविक इंसान है। दूसरा कथन है इसका उपयोग जो है ऑर्ब नामक उपकरण द्वारा किसी व्यक्ति की आंखों को स्कैन करके वर्ल्ड आईडी बनाने के लिए किया जाएगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यहाँ पर 68 में देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, क्योंकि अभी देखा जाए तो हाल ही में ओपन एआई द्वारा वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और इसके उपरांत जो है ओपन एआई द्वारा विश्वभर में 2 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा प्रोजेक्ट में जो है साइन अप किए जाने का दावा किया जा रहा है। और जो है वर्ल्ड कॉइन एक जो है क्रिप्टो करेंसी आधारित परियोजना है और इसका उद्देश्य यह है कि डिजिटल पहचान का एक नया स्वरूप निर्मित किया जाए जिससे यह स्थापित किया जा सके कि इसका धारक एक वास्तविक इंसान है, ना कि एआई बॉट या कोई फर्जी खाता धारक। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह टीएम नायर द्वारा स्थापित प्रथम गैर ब्राह्मणवादी संगठन था। दूसरा कथन है रामास्वामी नायका द्वारा इसका नाम बदलकर श्री नारायण धर्म परिपालन योगम रखा गया। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 69 में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन सही है, पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सुर्खियों में रहे स्थान और संबंधित देश दे रखा है। तो लाचिन कॉरिडोर देखें तो लाचिन कॉरिडोर है, ये कहाँ पे है? ये जो है आर्मेनिया और अजरबैजान में है। तो यहाँ पे जो है ये जो है अर्जेंटीना दे रखा है, इसलिए पहला मिलान गलत हो गया। अगला है नारगोर्नो काराबाख क्षेत्र है, ये जो है पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में फैला है,
लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ये भी चर्चा में था। लेकिन अगला है जेद्दा, ये सऊदी अरब ने जो है लाल सागर पर स्थित जो है पत्तन शहर जेद्दा में रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये मिलान सही है। अगला है कुरिल द्वीप, ये द्वीप जो है यूक्रेन युद्ध से जापानियों में यह उम्मीद जगी कि कुरिल द्वीपों को रूस के नियंत्रण से मुक्त करवाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ये जो है कुरिल द्वीप जो है भौगोलिक अवस्थिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है जापान में है ना कि कनाडा में, इसलिए ये भी मिलान गलत है। तो केवल एक ही योग में सही सम्मिलित है, वो भी दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है? तो यहाँ पे 71 में देखा जाए तो इसका संबंध जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध शुरू किए गए आंदोलन से है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा किया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, साहित्य अकादमी पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पुरस्कार केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में की गई साहित्यिक रचनाओं के लिए दिया जाता है। दूसरा कथन है, यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 72 में देखा जाए तो यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और जो है इसकी शुरुआत जो है 1954 में की गई थी और यह पुरस्कार जो है भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि साहित्य अकादमी ने जो है भारतीय संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी मान्यता प्रदान की हुई है। इस प्रकार से कुल जो है 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है भी जो है गलत हो जाता है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में कुशल जो है अकर्मण्यता की नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए, यह अफगान मुद्दे का समाधान करने के लिए जॉन लॉरेंस द्वारा अपनाई गई एक विदेश नीति थी। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें जो है लॉरेंस ने दो नीतियों की शर्तें अपनाई, जिसमें पहली नीति यह थी कि सीमा पर शांति भंग न हो और दूसरी नीति यह थी कि गृह युद्ध में प्रतिद्वंदी किसी अन्य देश की सहायता नहीं लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है, एक तरफ है सुर्खियों में रहे स्थान, दूसरा है देश। तो चश्मा दे रखा है, चश्मा जो है परमाणु संयंत्र है और ये पाकिस्तान का है और ये चीन ने जो है पाकिस्तान स्थित पंजाब के मियांवाली जिले के चश्मा में जो है 1200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा 5 स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। पहला सही है। अगला है अर्काडग जो है तुर्कमेनिस्तान में है और तुर्कमेनिस्तान ने जो है $5 मिलियन की लागत से जो है अर्काडग नामक एक जो है स्मार्ट शहर के निर्माण की घोषणा की है। सामने लिखा है कजाकिस्तान, इसलिए दूसरा मिलान गलत है। अगला है व्लादिवोस्तोक, ये जो है भारत और रूस ने मिलकर जो है चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस मार्ग का निर्माण होने पर दोनों गंतव्यों के बीच परिवहन समय 32 दिन से घटकर 12 दिन और परिवहन लागत जो है 30% जो है कम होने की उम्मीद है। और यह मार्ग जो है जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलमूल मध्य से होकर गुजरता है। तो यूक्रेन लिखा है, इसलिए यह भी गलत है। तो केवल एक ही सही सम्मिलित है, पहला वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वेदों की ओर लौटो उनका आदर्श वाक्य था। दूसरा कथन है, उन्होंने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया किंतु नियति के सिद्धांत को अस्वीकार किया था। तीसरा कथन है, उन्होंने इस तथ्य को अस्वीकार किया था कि मनुष्य की आत्मा ईश्वर का एक अंश मात्र है तथा यह माना कि ईश्वर आत्मा और पदार्थ विशिष्ट और शाश्वत सत्व हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो एक तो पहला कथन सही है और एक जो है
दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, लॉर्ड विलेजली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। दूसरा कथन है उसने कर्नल के रूप में जो है सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में भाग लिया। तीसरा कथन है उसने मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था तथा बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 76 में हम लोग देखते हैं, 76 में हम लोग क्या देखते हैं कि एक तो यहाँ पे जो है तीसरा कथन सही है और एक जो है पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है सन 1799 में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है सेरिंगपट्टनम यानी मैसूर की राजधानी यानी सेरिंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी। हालांकि यह लड़ाई लॉर्ड विलेजली के कार्यकाल के दौरान हुई थी, लेकिन इस लड़ाई में उसके भाई आर्थर विलेजली ने कर्नल के रूप में भाग लिया और उसकी जीत से भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में कमी आई और अंग्रेजों को अपनी सहायक संधि नीति का विस्तार करने में सहायता मिली। इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 77, भारत में पुर्तगाली गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला कथन है कि पुर्तगालियों ने शाहजहां के दरबार में जो है जेसुइट पादरियों को भेजा और वे उसका अनुग्रह एवं समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। दूसरा कथन है उन्होंने भारत में व्यापार करके दास बनाकर दोनों के माध्यम से धनार्जन किया। तीसरा कथन है भारत में पुर्तगालियों के पतन का एक कारण उनका जो है समुद्री डकैती में शामिल होना था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 77 में हम लोग देखें तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और इसके शासनकाल में पुर्तगालियों को अक्सर गिरफ्तार करके साथ साथ उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही है। तो दो स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में सुर्खियों में रहा हवाना सिंड्रोम क्या है? तो 78 में देखा जाए तो जो है हवाना सिंड्रोम जो है विभिन्न विचित्र ध्वनियां सुनाई देने के बाद बीमार महसूस करने की एक समस्या है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि अभी हाल ही में देखा जाए तो बेंगलुरु के एक निवासी ने कर्नाटका उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें भारत में हवाना सिंड्रोम की जांच के लिए एक परमादेश याचिका जारी करने का जो है अनुरोध किया, क्योंकि हवाना जो है सिंड्रोम जो है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे विभिन्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया अधिकारियों और दूतावास के कर्मियों द्वारा अनुभव किया गया और सिंड्रोम शब्द का जो मतलब कि समानता लक्षण होता है या उन्हें कहा जाता है लक्षणों का एक समूह माना जाता है। इसमें कहा जाता है एक लक्षण निकल के आता है इसके तहत इस सिंड्रोम के तहत कि बिना किसी बाहरी शोर के कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ना, मतली आना, चक्कर आना, सिरदर्द करना, याददाश्त में कमी, संतुलन संबंधी समस्याएँ इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसकी उत्पत्ति जो है सर्वप्रथम बीमारी का पता 2016 में क्यूबा में चला, जब अमेरिका ने जो है क्यूबा की राजधानी हवाना में अपना दूतावास खोला था। यहीं से जो है इस सिंड्रोम का नाम हवाना सिंड्रोम पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, कंपोजिट क्वांटम मटेरियल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एक कंपोजिट क्वांटम मटेरियल एक ही पदार्थ के दो अलग अलग क्वांटम गुणों को संयोजित करता है। दूसरा कथन है रश्वा स्प्लिंटिंग एक क्वांटम घटना है जिसमें जो है विद्युत क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाता है। तीसरा कथन है जो है स्पिनट्रॉनिक्स एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें नवीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक स्पिन के साथ साथ उनके चार्ज का उपयोग किया जाता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को,
तो यहाँ पे जो है तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में सुर्खियों में रहे ऑपरेशन डक हंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका उद्देश्य वन्य जीवों की तस्करी को रोकना है। दूसरा कथन है इसका नेतृत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 80 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों में से कोई सभी कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण की उपलब्धि नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने अपनी मांगों के दायरे में वृद्धि के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक आधार का विस्तार किया, ये उदारवादी चरण की उपलब्धि नहीं है। बाकी ये जो है कांग्रेस के जो है उदारवादी चरण के एक मूलभूत तत्व हैं ए सी और डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों पर विचार करें। पहला है लॉर्ड ऑकलैंड, दूसरा है लॉर्ड मेटकॉफ, तीसरा है लॉर्ड बेंटिंक। इन्हें इनके जो है पदावधि के क्रम में कालक्रमानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो 1833 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना 1833 में। इसके बाद जो है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 में से 44 तक रहा, और इसी के समय जो है प्रथम अफगान युद्ध भी हुआ, और लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ जो है 1835 में बना, 1835 में बना और 36 तक रहा, और 36 के बाद जो है लॉर्ड ऑकलैंड बना था, और जो है लॉर्ड लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ के समय जो है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। भारत में जनजाति आंदोलनों के संदर्भ में दिकू शब्द संदर्भित करता है। तो यहाँ पे 83 का सही जवाब है ए ऑप्शन, गैर जनजाति विदेशियों को जो प्रायः प्राधिकार के पदों पर होते थे तथा जनजाति समुदायों का शोषण करते थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 19वीं सदी में भारत में ईसाई प्रचारकों ने लोगों की व्यवहारिक शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की। दूसरा कथन है ईसाई प्रचारकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो है श्रीरामपुर में एक जो है मिशन स्थापित किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 84 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने जो है व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया, ना कि सहायता प्रदान की। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक प्रकार का यूरिया है जिसमें सल्फर मिश्रित किया जाता है। दूसरा कथन है यह नाइट्रोजन की धीमी और नियमित जो है निर्मुक्ति सुनिश्चित करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, यह एक प्रकार का यूरिया है जिसमें सल्फर मिश्रित होता है, और 37% नाइट्रोजन और 17% जो है सल्फर इसमें मिश्रित होता है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मोपला अरब व्यापारियों के वंशज थे
जो मालाबार क्षेत्र में बस गए थे। दूसरा कथन है कि मोपलाओं का मुख्य निशाना अंग्रेज थे, जिन्होंने उन्हें भूमि पर खेती करने के उनके पारंपरिक अधिकार से वंचित कर दिया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 86 में देखा जाए, एक तो यहाँ पे पहला कथन सही है और यह जो है 1840 और 1850 के दशक में दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्रों में मोपलाओं ने विद्रोह किया। यह एक किसान आंदोलन था जिसमें धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो सही था और जो है मोपला अरब व्यापारियों के वंशज थे जो मालाबार क्षेत्र में बस गए थे। इसके पश्चात जो है धीरे धीरे मोपला कृषि पर निर्भर हो गए और खेतीहर मजदूर, भूमिहीन मजदूर और छोटे व्यापारियों और मछुआरों के रूप में जीवन यापन करने लग गए। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसकी स्थापना श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा मद्रास चेन्नई में की गई थी। दूसरा कथन है कि इस संगठन ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण किया जो केवल जो है एझावा जाति के लिए खोले गए थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है 87 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही नहीं है। 87 में दोनों ही कथन यहाँ पे सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो है श्री नारायण गुरु स्वामी ने केरल के झावा जाति के बीच श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन की स्थापना करी और जो है इझावा केरल की सबसे बड़ी दलित जाति थी। यह ताड़ी बेचने के काम करते थे। इन्हें केरल में जो है अस्पृश्य माना जाता था तथा इन्हें शिक्षा और मंदिरों में प्रवेश से वंचित रखा गया। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चेन्नई का कोई जिक्र नहीं है, केरल का जिक्र होना चाहिए था। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि श्री नारायण गुरु स्वामी एक जो है समाज सुधारक थे। वह सभी के लिए मंदिर में प्रवेश और सामाजिक बुराइयों जैसे अस्पृश्यों के साथ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। यह किसी मजदूर वर्ग द्वारा की गई पहली संगठित हड़ताल थी। इसमें मजदूरी, काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित मांगें उठाई गई थी। लगभग सभी राष्ट्रवादी अखबारों ने खुलकर इस हड़ताल को पूर्ण समर्थन दिया। तिलक द्वारा प्रकाशित मराठा तथा केसरी ने इसके समर्थन में कई महीनों तक अभियान चलाया। बंबई तथा बंगाल में फिरोज शाह मेहता, DE वाचा और सुरेंद्रनाथ टैगोर जैसे विख्यात राष्ट्रवादियों ने हड़ताल करने वालों की मदद के लिए जनसभाएं आयोजित की और धन भी एकत्रित किया। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो 88 में देखा जाए तो 88 में देखते हैं तो ये जो है ग्रेट इंडियन जो है पेनिनसुलर रेलवे हड़ताल के संबंध में बात की जा रही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये कब हुआ था आंदोलन? 1899 में। इसके तहत जो है रेलवे के सिग्नल पर काम करने वाले लोगों ने हड़ताल कर दी थी और यह हड़ताल जो है काम के घंटों तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में की गई थी। लगभग सभी राष्ट्रवादी अखबारों ने खुलकर इस हड़ताल को पूर्ण समर्थन भी दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विद्रोह का कारण मजदूरी में कोई वृद्धि किए बिना बलपूर्वक नील की खेती कराना था। दूसरा कथन है ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजों की सहायता की और किसानों को नील उगाने के लिए विवश करने हेतु धर्म का इस्तेमाल किया। तीसरा कथन है विद्रोह के दौरान हुई जातियों की जांच के लिए गठित नील आयोग ने किसानों का पक्ष लिया। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 89 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो जो है पहला कथन सही है और एक जो है तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो है मिशनरियों ने जो है नील आंदोलन के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई, ना कि जो है धर्म का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय इतिहास के संदर्भ में विलियम एडम की रिपोर्ट संबंधित है। तो 90 में देखा जाए तो विलियम एडम की रिपोर्ट जो है बंगाल और बिहार में देसी भाषाई शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इन्हें जो है 1835, 1836, 1838 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में शिक्षा के नीतिगत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उपयोगितावादियों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी क्योंकि यह प्रशासन की मांगों के लिए अधिक उपयुक्त थी। दूसरा कथन है कि प्राच्यवादियों ने भारतीय शिक्षा को कमतर माना और इसलिए उन्होंने देसी भाषाओं जैसे कि वर्नाकुलर की तुलना में अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी। तो उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है 91 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो है पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। क्योंकि 1835 के सुप्रसिद्ध शिक्षा स्मरण पत्र में उदारवादी लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का जोरदार समर्थन किया। वहीं मिल जैसे उपयोगितावादियों ने भारतीय आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त देसी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने का समर्थन किया। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत था। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि प्राच्यवादियों का तर्क था कि जहाँ छात्रों को रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ इनके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मराठा संघ का मिलान करना है क्षेत्र से, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं पेशवा का जो है मिलान करना है। तो पेशवा के सामने क्या लिखा है, भारत का जो है पूना शहर यानी वर्तमान का पुणे, जो गलत है। सिंधिया का मिलान करना है तो सिंधिया राजवंश जो है ग्वालियर का जो है मराठा शासक था, तो ये सही है। अगला है जो है गायकवाड़ राजवंश, ये गुजरात राज्य के बड़ौदा का जो राजवंश है, तो ये भी गलत है। अगला है होलकर राजवंश, ये जो है मूल रूप से चरवाहा जाति या कृषक वंश के रूप में जाना जाता है। यह मथुरा जिले से आकर दक्कन के एक गांव होल या हल में बस गए थे और जो है ये भी जो है मराठा राजवंश कहलाए। तो यहाँ पे जो है सही सुमिलित नहीं है क्योंकि बड़ौदा लिखा है, यहाँ पे जो है इंदौर होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। अगला है भोसले राजवंश, ये जो है वर्तमान महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में शासन करता था, ना कि पुणे में, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे कितने सही सुमिलित है, तो एक सही सुमिलित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, भारत में विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने की मांग को दबाने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। दूसरा कथन है कि विधवा पुनर्विवाह सुधार को बंगाल में अत्यधिक सफलता मिली थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 93 में देखा जाए तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ने 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया था और यह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू कर दिया गया। इसलिए यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाता है और दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि इसमें जो है खासी सफलता नहीं मिली, छोटी मोटी जो है सफलता हासिल हुई, बहुत सीमित जो है ये सफलता थी विधवा पुनर्विवाह सुधार अधिनियम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, आइंस्टीन क्रॉस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह पेगासस तारामंडल में स्थित है। दूसरा है, लैंसिंग गैलेक्सी के चारों ओर जो है कौसर की चार चमकदार छवियां क्रॉस जैसा एक प्रतिरूप बनाती हैं। तीसरा है, इसे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की सहायता से समझाया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो 94 में देखा जाए, एक तो पहला सही है और एक तो दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए सत्य प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो ये प्रकाशन जो है करसोनदास मूल जी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1852 में गुजराती भाषा में। तो यहाँ पे
डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अनिवार्य बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया और 1903 का काश्तकारी अधिनियम लाया गया था? तो 96 का सही जवाब है ए ऑप्शन, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निजाम उल मुल्क आशफ जाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की थी? तो यहाँ पे जो है 97 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जो है मोहम्मद शाह ने, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क आशफ जाह ने की थी। वह औरंगजेब की बात के युग के प्रमुख अमीरों में से एक था और जो है 1722 से 1724 तक वह हैदराबाद साम्राज्य का वजीर रहा, किंतु उसे शीघ्र ही इस पद से घृणा हो गई क्योंकि सम्राट मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। इसलिए उसने जो है दक्कन वापस जाने का फैसला किया जहां वह सुरक्षित रूप से अपना वर्चस्व बनाए रख सका। यहां उसने हैदराबाद राज की आधारशिला रखी जहां उसने मजबूती से शासन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, आंग्ल सिख युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है गुजरात की लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के रूप में लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। दूसरा कथन है लाहौर की संधि के तहत दलीप सिंह को शासक के रूप में और रानी जिंदल को संरक्षिका के रूप में जो है मान्यता प्रदान की गई। तीसरा कथन है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है और जो है यहाँ पे पहला कथन गलत है क्योंकि कहा गया गुजरात की लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के भाग के रूप में लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाई थी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो द्वितीय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और तीसरा भी गलत है, जबकि दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित पक्षी प्रजातियों पर विचार कीजिए। बुगुन लियो सिचला, दूसरा है हिमालयन बटेर, तीसरा है जेरेडॉन्स कार्सर। तो उपर्युक्त में से कितने पक्षियों को क्रिटिकली एजेंडर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है तीनों को, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, ये 1857 के विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता थे। हैदराबाद में शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवावस्था में ये उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया। उन्हें लोकप्रिय रूप से डंका शाह कहा जाता था। उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुना। उन्होंने चिनहट के जो है विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली ब्रिटिश सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो उपर्युक्त दिए गए परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है यहाँ पे जो है अहमदुल्ला शाह का जो है वर्णन किया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही विजन आईएएस का 13वें नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।